वेलकम डियर रॉकर्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं इसी साल रिलीज हुई मूवी जिसका नाम है द वेंडरिंग अर्थ 2। मूवी की शुरुआत में बताते हैं कि दुनिया भर के जंगलों में आग फैल रही है और हर तरफ सूखा पड़ रहा है। साइंटिस्ट बताते हैं कि जल्द ही एक सोलर क्राइसिस होने वाला है और अगले 300 सालों में सूरज इतना बड़ा हो जाएगा कि पृथ्वी को ही नहीं बल्कि पूरे सोलर सिस्टम को अपनी गर्मी में लपेट लेगा। पूरा सोलर सिस्टम ही नष्ट हो जाएगा। यूनाइटेड अर्थ गवर्नमेंट, जिसे यूईजी कहते हैं, वो एक मूविंग माउंटेन प्रोजेक्ट की प्लानिंग करता है जिसके तहत बड़े बड़े इंजन बनाए जाएंगे जो पृथ्वी को सोलर सिस्टम से बाहर धक्का देंगे। इस तरह पृथ्वी इस सोलर क्राइसिस से बच जाएगी। इस अनोखे प्रोजेक्ट के लिए बहुत ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत होती है। दुनिया भर में लोग प्रोटेस्ट करते हैं कि जब सूखा पड़ा हुआ है तो इतना कॉस्टली प्रोजेक्ट क्यों प्लान किया जा रहा है और जो स्ट्रेटजी अब तक नहीं हुई उसके नाम पर सरकार हमारी जान के साथ क्यों खेलना चाहती है। जब क्राइसिस होगा तब देखा जाएगा। और फिर प्रोटेस्ट दंगे फसाद में बदल जाते हैं और पब्लिक को कंट्रोल करने के लिए यूएजी डिजिटल लाइफ प्रोजेक्ट या डीएलपी को बैन कर देता है। डीएलपी एक ग्रुप है जो इस प्रोजेक्ट के खिलाफ लड़ रहा है। वे एक प्रोग्राम बना रहे हैं जिसकी मदद से इंसान अपने माइंड को एक डिस्क पर अपलोड कर पाएंगे, लेकिन उनके पास इसके साधन नहीं होते, इसलिए वे यूईजी के सिस्टम को हैक करने लगते हैं। अब यूईजी रियलाइज करता है कि लोगों को उनके प्रोजेक्ट पर विश्वास नहीं है और वे प्रोजेक्ट को आगे नहीं बढ़ाते, लेकिन चाइनीज एम्बेसडर जिसका नाम जोई है वो सबको कन्विंस कर लेता है कि इस प्रोजेक्ट के फर्स्ट पार्ट को पूरा करने में ही सबकी भलाई है। अब वे मून पर अपने पहले इंजन को टेस्ट करते हैं क्योंकि वे मून को पृथ्वी से दूर करना चाहते हैं, इससे पृथ्वी पर उसकी ग्रेविटी का असर नहीं होगा। इस प्रोजेक्ट के लिए कई एस्ट्रोनॉट्स ट्रेन किए जाते हैं। ल्यू नाम का एक पायलट बेस पर पहुंचता है तो वो जगह प्रोटेस्टर से भरी पड़ी होती है। एक प्रोटेस्टर गार्ड को चकमा देखकर अंदर घुस जाता है। हैन नाम की ट्रेनी उसे मार गिराती है। ल्यू से बड़ा इंप्रेस हो जाता है। अब ट्रेनीज को उस जगह के बारे में बताया जाता है और उनके पहले टेस्ट के लिए उन्हें स्पेस एलिवेटर में ले जाया जाता है। ये एलिवेटर इतिहास का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है और यहाँ उन्हें स्पेस का एक्सपीरियंस मिलेगा। वो इतनी तेजी से ऊपर जाता है कि कई लोग तो बेहोश हो जाते हैं और उस स्पेस स्टेशन को नहीं देख पाते जो बहुत ऊंचाई पर बनाया गया है। फिर उन्हें हैंड टू हैंड कॉम्बैट, फायर आर्म्स हैंडल करना वगैरह वगैरह सिखाया जाता है। उन्हें अक्सर एलिवेटर में ले जाया जाता है ताकि उन्हें स्पेस में रहने की आदत पड़ जाए। उनकी फिजिकल फिटनेस का भी अच्छे से ख्याल रखा जाता है। ट्रेनिंग के दौरान लियो और हान को एक दूसरे से प्यार भी हो जाता है। अब एक दिन लियो गार्ड्स को घूस देकर बेस के अंदर एक गुलदस्ता लेकर आता है और हैन को गिफ्ट करता है। तभी एस्ट्रोनॉट्स का एक नया बैच उनको ज्वाइन करता है। अचानक सारे ड्रोन्स हैंगर से बाहर उड़ने लगते हैं और इंजीनियर्स को पता लग जाता है कि सिस्टम हैक हो चुके हैं। वक्त से पहले एलिवेटर ऊपर जाने लगता है और नए एस्ट्रोनॉट्स अपने कपड़े बदल लेते हैं। लियो और हैन नोटिस करते हैं कि उन्होंने यूनिफॉर्म पहना हुआ है जिस पर उनके नाम है। बाहर ड्रोन्स फायर करने लगते हैं और सभी बेस को प्रोटेक्ट करने में लग जाते हैं। पायलट्स अपने प्लेन से शूट करने लगते हैं लेकिन उनका सिस्टम ड्रोन पर शूट नहीं करता क्योंकि हैकर्स ने उनके सिस्टम में ये फीड किया होता है कि ड्रोन दुश्मन नहीं दोस्त है। अब ड्रोन्स मिसाइल फायर करके एक एलिवेटर को नष्ट कर देते हैं। अब ये टेररिस्ट दरवाजे को लॉक कर देते हैं और असली कैडेट को मारकर उनके आईडी चुराने लग जाते हैं। दूसरे कमरे में लियो अपनी कुर्सी छोड़ देता है और अपने ग्लासेस की मदद से सनलाइट को फोकस करता है और लॉक स्क्रीन को जला देता है। इस तरह दरवाजा खुल जाता है। अपने एक दोस्त को घायल पाकर वो टेररिस्ट के पीछे जाता है और उनसे खूब लड़ता है। लड़ाई में एक आदमी नीचे गिरकर मर जाता है। अब लियो दूसरे आदमी के पीछे जाता है लेकिन उस आदमी के पास कैडेट का आईडी होता है और वो एलिवेटर को स्टेशन का एक्सेस दे देता है और उसी वक्त ड्रोन्स उन पर मिसाइल अटैच कर देते हैं। अब बेस के साइंटिस्ट 550C नाम के एक इंटेलिजेंट क्वांटम कंप्यूटर की मदद से हैकिंग को रोक देते हैं। इसके बाद ड्रोन्स नीचे गिरने लग जाते हैं जिसकी वजह से बड़ा एक्सपोजर होता है। एलिवेटर्स नीचे की ओर खींचे चले जाते हैं। जीरो ग्रेविटी की वजह से सब कुछ हिलने लग जाता है। इसी बीच लियो टेररिस्ट से लड़ रहा होता है लेकिन एन वक्त पर हैन एक मैकेनिकल आर्म की मदद से खिड़की तोड़कर उसकी मदद करती है और लियो उस आदमी को मार गिराता है। अब हैन खुश होकर अपने फूल मांगती है लेकिन तभी वो आदमी डेटोनेटर प्रेस कर देता है और पूरा स्टेशन नीचे बेस की ओर गिरने लगता है। बिल्डिंग बहुत डैमेज हो जाती है और बड़ी तादाद में लोग मारे जाते हैं, लेकिन हैन को प्रोटेक्ट करने के लिए लियो उसके ऊपर ही कूद जाता है। और फिर अब बेस को इवैक्यूएट किया जाता है और न्यूज में अनाउंसमेंट करते हैं कि आज लगभग 3000 लोग मारे गए हैं। इसके बाद दंगे फसाद ज्यादा होने लग जाते हैं और हर तरफ टेररिस्ट अटैक बढ़ जाता है। पब्लिक डिमांड करती है कि सरकार डीएलपी को वापस अपना काम करने दे। फिर जो यूईजी से रिक्वेस्ट करता है कि वे इस प्रोजेक्ट को जारी रखें, इसके लिए वो अमेरिकन एम्बेसडर को कन्विंस भी कर लेता है। कुछ हफ्तों के बाद क्राइस स्लीपिंग पॉड में एक टीम को मून पर भेजा जाता है ताकि वे लूनार इंजन्स पर काम करते रहें। एक कंप्यूटर इंजीनियर जिसका नाम हैंगियो है वो नींद से जागते ही अपने सिस्टम्स को चेक करने जाता है, खासकर AI-550A को। वो अपनी बेटी याया की रिकॉर्डिंग भी चेक करता है जो उसके साथ बात भी करती है। हैंगियो डीएलपी के लिए काम करता था लेकिन अब वो लूनार प्रोजेक्ट पर काम करने को तैयार हो गया है क्योंकि यहाँ वो 550C को एक्सेस कर सकता है जिससे वो अपनी मरी हुई बेटी के ब्रेन का AI तैयार करना चाहता है।
और जब उसे पता चलता है कि कंप्यूटर इंजीनियर जाहो 550C का इंचार्ज है तो वो जाहो के साथ काम करने लगता है। अब दोनों मिलकर 550C को टेस्ट करते हैं और उसकी मदद से बेस के हर सेक्टर को एक्टिवेट कर देते हैं। फिर जाहो हैंग्यू को अपने माइंड का डिजिटल कॉपी देता है। डीएलपी के बंद होने के बाद उसकी कंपनी ने उसके माइंड का डिजिटल कॉपी अपने कब्जे में ले लिया था। वो कहते हैं कि अब इसे सेफ रखना या नष्ट करना तुम्हारी मर्जी है। कुछ देर बाद हैंग्यू जाहो को याया का वीडियो क्लिप दिखाता है और बताता है कि याया कैसे मरी। उस दिन वो अपनी पत्नी और बेटी याया के साथ कार में जा रहा था। किसी वजह से वो एक पल के लिए डिस्ट्रैक्ट हो गया और उसने सामने से आते हुए ट्रक को नहीं देखा। पलक झपकते ही उनका एक्सीडेंट हो गया और उसकी पत्नी स्पॉट पर ही मर गई। याया जिंदा थी और हैंग्यू उसे तुरंत डीएलपी लेके गया जहां वो उसके माइंड का बैकअप ले सकता था। लेकिन उस वक्त डीएलपी के पास उसकी टेक्नोलॉजी नहीं थी। उस वक्त जाहो भी वहां पर काम करता था और उसने हैंग्यू की मदद करने का वादा भी किया था। प्रेजेंट में हैंग्यू जाहो से रिक्वेस्ट करता है कि वो याया पर 550C का इस्तेमाल करे, लेकिन जाहो उसकी बात नहीं मानता और कहता है तुम्हें 550A मिला है, यही काफी है। कुछ देर बाद उनका सिस्टम एक Z9 लेवल के सोलर स्ट्रॉम को डिटेक्ट करता है। फिर सभी वर्कर्स को वापस बेस में जाना पड़ता है। ड्राइवर अपने इंजन को और भी तेज करते हैं और सोलर स्ट्रॉम से पहले बेस में एंटर कर देते हैं, लेकिन बदकिस्मती से 550C नष्ट हो जाता है। लेकिन इस प्रोजेक्ट को 3 दिन बाद लॉन्च करने के लिए उन्हें AI की जरूरत है। हैंग्यू कहता है कि मैं अपना 550A दे सकता हूं, लेकिन इसके बदले में मुझे उस टीम में काम करना है जो फ्यूचर के सारे 550 मॉडल्स बनाएगी। इस बार जाहो मान जाता है। अपना AI जाहो को सौंपने से पहले हैंग्यू याया के माइंड को एक डिस्क में कॉपी कर देता है। 3 दिन बाद वे इंजन को टेस्ट करते हैं। कुछ सेकंड्स की टेंशन के बाद वे बड़े खुश होते हैं कि मून एक छोटे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से गुजर रहा है। इससे प्रूव होता है कि 20 सालों में पृथ्वी पूरी तरह से बाहर हो गई है। ये सुनकर पब्लिक को इस प्रोजेक्ट पर विश्वास होने लग जाता है। कुछ महीने बाद वे इस प्रोजेक्ट को पृथ्वी पर टेस्ट करते हैं। पहले तो सारे स्क्रीन ब्लैक हो जाते हैं और सबको लगता है कि प्रोजेक्ट फेल हो गया, लेकिन फिर फर्श हिलने लग जाता है और एस्ट्रोनॉट बेस पर तेजी से रोशनी आती है। अब यूईजी के साइंटिस्ट कंफर्म करते हैं कि पृथ्वी ने भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किया है। ये जानकर दुनिया भर के लोग सेलिब्रेट करने लगते हैं कि अब वे जल्द ही सोलर सिस्टम से बाहर हो जाएंगे। फिर यूईजी इस प्रोजेक्ट को कई साल तक जारी रखता है और वे बहुत ही पावरफुल इंजन बनाते हैं। अब मूविंग माउंटेन्स प्रोजेक्ट का नाम बदलकर द वेंडरिंग अर्थ रखा जाता है। इस प्रोजेक्ट को बिल्डिंग करने का काम 550C कर रहा है और वह खुद भी बड़ी तेजी से डेवलप हो रहा है। वक्त के साथ लोगों को इस प्रोजेक्ट पर पूरा भरोसा होने लग जाता है और डीएलपी पूरी तरह से मिट जाता है। लेकिन इस बात की भी चर्चा होती है कि जो अंडरग्राउंड सिटीज बनाए जा रहे हैं उनमें हर किसी को रहने की जगह नहीं दी जाएगी। कुछ लोगों को वहां रहने के पास दिए जाएंगे और वो भी किसी भेदभाव पर आधारित होगा। हर गुजरते साल के साथ पृथ्वी की गति धीमी होती जाती है। इस वजह से दुनिया भर में 24 घंटे का टाइम सिर्फ 60 घंटे सिस्टम को फॉलो करता है। इतना नहीं, ग्लोबल इंटरनेट भी शट डाउन हो जाता है। पृथ्वी पर बाढ़ और सोलर रेडिएशन जैसे डिजास्टर्स होने लग जाते हैं और कैंसर केसेस भी बढ़ जाते हैं। लियो और हैन की शादी हो जाती है और उनका एक बेटा भी होता है। उन्हें फिक्र होती है कि उनके बेटे को अंडरग्राउंड सिटी में पास नहीं दिया जाएगा। सोलर रेडिएशन की वजह से हैन को भी कैंसर हो जाता है। हैंग्यू अब भी अपनी बेटी के AI पर काम कर रहा होता है और साथ ही 550W नाम के एक नए 550 AI पर भी काम करता है। 14 साल बाद लियो जब एक मेजर रैंक का ऑफिसर बन गया है तो वो एक नए मिशन का नेविगेटर बनने के लिए इंटरव्यू देता है और उसका इंटरव्यूअर 550W है जो लियो की स्किल से इम्प्रेस हो चुका है, लेकिन उसकी फैमिली के बारे में भी जानता है। वो कहता है कि तुम मिशन पर जाने के बजाय पृथ्वी पर रहकर अपनी फैमिली को संभालो, लेकिन लियो कहता है कि इस मिशन पर जाने वाले की फैमिली को अंडरग्राउंड सिटी में फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाएगी और मैं अपने बेटे के लिए अंडरग्राउंड सिटी का पास चाहता हूं, इसलिए मैं इस मिशन पर जाना चाहता हूं। इस प्रोजेक्ट के इंचार्ज भी उसका इंटरव्यू सुन रहे होते हैं। हैंग्यू को भी अपनी बेटी की याद आ जाती है। 550W उसको याद दिलाता है कि हैन की लाइफ जल्द ही खत्म होने वाली है। ये सुनकर लियो बड़ा परेशान होता है और वो स्ट्रेस टेस्ट में फेल हो जाता है। अब लियो हैन से मिलने हॉस्पिटल जाता है जहां हैन की हालत बद से बदतर हो जाती है और अब हैन अपने टाउन को देखना चाहती है जहां पर वो पैदा हुई थी, लेकिन इस मौसम में वहां जाना इतना आसान नहीं है। शाम को हैंग्यू छुपकर बेस में पहुंच जाता है और याया के माइंड को 550W के साथ कनेक्ट कर देता है। इस बार याया कई रिएक्शंस दिखाती है और कहती है कि मैं कहीं और चली गई हूँ। ये सुनकर हैंग्यू रोने लगता है। तभी जाहो और कुछ गार्ड्स आ जाते हैं। जाहो उसको समझाता है कि इस बात को एक्सेप्ट कर लो कि याया जिंदा नहीं है, लेकिन हैंग्यू नहीं मानता और याया को पूरी तरह 550W में अपलोड कर देता है। इससे मून का सिस्टम खराब हो जाता है और इंजन फेल होने लग जाते हैं। गार्ड्स हैंग्यू को पकड़ कर लेके जाते हैं और जाहो याया को वापस डिस्क में डालकर 550 के उस एक्सटेंशन को शट डाउन कर देता है। अब लियो एक जेट को रेंट करता है और अपनी फैमिली को हैन के टाउन में लेके जाता है। जेट में थोड़े मजे करने के बाद वे शंघाई पहुंच जाते हैं जो अब बर्फ से ढकी हुई है और एक बंजर जमीन बन चुकी है। वे तारों के नीचे बैठ जाते हैं और तब हैन कहती है कि जब मैं मरूंगी तो आजाद होकर मरूंगी, इसके लिए तुम मुझे हॉस्पिटल में वायर्स और पाइप से कनेक्ट मत करना।
यहाँ यूजी में डिस्कस करते हैं कि हैंग्यू की वजह से सिस्टम में जो प्रॉब्लम हुई थी वो कई साल पहले हुई हैकिंग की तरह था, जिसमें ड्रोन्स के जरिए एलिवेटर को नष्ट किया गया था। वे 550W को बाईपास करना चाहते हैं, लेकिन हर स्टेप पर ब्लॉक होते रहते हैं। अचानक मून इंजन अपना पावर लिमिट क्रॉस करके एक्सप्लोड हो जाते हैं। इस वजह से मून की थोड़ी जमीन नष्ट हो जाती है और मून पृथ्वी के नजदीक आने लग जाता है। उस वक्त जॉय समुद्र के पास होता है और वो वर्ल्ड लीडर्स को अलर्ट सिग्नल्स भेजता है कि एक बड़ा सुनामी जमीन की ओर आ रहा है। ल्यू को भी मैसेज मिलता है कि तुरंत लौटाओ। दुनिया भर के लीडर्स अंडरग्राउंड सिटीज को खोलने लगते हैं ताकि लोग उसके अंदर जाकर सुरक्षित रह सकें, वरना सुनामी सभी को ले डूबेगी। इसी बीच हैन नींद में ही मर जाती है और हैन के पिता हैन के बेटे को अंडरग्राउंड सिटी में लेके जाते हैं। जाहो यूईजी से रिक्वेस्ट करता है कि वे मून पर पृथ्वी के सारे न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करें ताकि मून में इम्पल्सन हो जाए और वो पृथ्वी से ना टकराए। मानवता के पूरे इतिहास में कभी किसी देश की सरकार ने ये रिवील नहीं किया कि उनके पास कितने न्यूक्लियर वेपन है, लेकिन पहली बार वे सब अपने हिस्से के न्यूक्लियर वेपन्स इस मिशन को सौंप देते हैं ताकि पृथ्वी को बचा सके। जाओ जेल में जाकर हैंग्यू से मिलता है और इन्फॉर्म करता है कि हम वक्त से पहले पृथ्वी के इंजन्स को एक्टिवेट करने वाले हैं। हमें कोऑर्डिनेटेड डेटोनेशन कंट्रोल करने के लिए ग्लोबल इंटरनेट को रीएक्टिवेट करना होगा। एक सर्वर पानी के नीचे है और जाहो चाहता है कि हैंग्यू उसका ध्यान रखे। उसे कन्विंस करने के लिए जाहो उसे हैंग्यू और याया के माइंड का डिस्क दिखाता है। मून के टूटे हुए भाग मून के चारों ओर एक एस्ट्रॉइड बेल्ट बना देते हैं। इस वजह से लियो जैसे बेस्ट पायलट्स न्यूक्लियर वेपन्स को लेके जाते हैं। पृथ्वी पर मिसिंग इंटरनेट सर्वर्स जो बीजिंग, टोक्यो और डल्स में है, उन्हें एक्टिवेट करने के लिए 3 टीम्स भेजी जाती है। फिर जाहो एक्सप्लेन करता है कि पासवर्ड डिकोड करने वाला की कैसे काम करता है, बाकी काम 550W संभाल लेगा। फिर मून शटल में पायलट्स निकल पड़ते हैं, लेकिन रास्ते में अचानक एस्टेरॉइड्स बड़ी तेजी से आते हैं और कुछ शटल्स को नष्ट कर देते हैं। अब उनके 200 वेपन्स नष्ट हो चुके हैं और अब सिर्फ 180 बचे हैं, जिनकी मदद से उन्हें डेटोनेशन करना होगा। आखिर में एक एस्टेरॉइड एक शटल पर क्रैश करता है और वो दूसरे शटल पर क्रैश कर जाता है। इस वजह से उनकी स्मूथ लैंडिंग नहीं होती। आखिर में वे 384 वेपन्स खो देते हैं। वे टेप से अपने हेलमेट्स को फिक्स करते हैं ताकि ऑक्सीजन लेवल बना रहे। फिर वे अपने घाव पर बैंडेज लगाकर बाकी बचे वेपन्स को पैदल लेके जाने का फैसला करते हैं, लेकिन लियो नहीं चाहता कि इतने जवान लोगों की जान जाए, इसलिए वो शटल छोड़कर दरवाजा बंद कर देता है। उसने पृथ्वी को बचाने के लिए अपनी जान देने का फैसला कर लिया था और वो शटल और उसके सर्वाइवर्स को वापस पृथ्वी पर भेज देता है। यहां 3 टीम सर्वर की लोकेशन पर पहुंच जाती है और देखती है कि पानी के नीचे कई तरह के जीव जंतु सर्वाइव कर रहे हैं। फिर ड्रोन्स और स्पेशल टूल की मदद से हैंग्यू की टीम बेंजिंग में एक बिल्डिंग में एंटर करती है और सर्वर का दरवाजा ढूंढ लेती है, लेकिन जब वे दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं तो टूल खराब हो जाता है, जिसकी वजह से एक आदमी घायल होता है। अब जाहो उसके घाव भरने की कोशिश करता है, लेकिन उसे बचा नहीं पाता। हैंग्यू और जाहो सारे कनेक्शन ठीक करते हैं और इंटरनेट को चालू कर देते हैं। ल्यू एक ट्रक में बाकी वेपन्स को ले जाना चाहता है, लेकिन तभी मून के टुकड़े पृथ्वी पर गिरने लगते हैं और बेजिंग टीम के लिए ये अड़चन बन जाती है। बिल्डिंग पूरी तरह से हिलने लगती है और जाहो के पैर पर एक हार्डवेयर गिर जाता है और वह फंस जाता है। कमरे में पानी भरने लगता है और हैंग्यू दरवाजा खोल नहीं पाता। जाहो जानता है कि अब वो बच नहीं पाएगा, इसलिए वो हैंग्यू को पासवर्ड की दे देता है। इसके बाद जाहो मर जाता है। मून के टुकड़े पृथ्वी की हर लोकेशन को डिस्ट्रॉय करने में लगे रहते हैं। अंडरग्राउंड सिटी में जाने के लिए लोगों के बीच में भगदड़ मच जाती है। अब यूईजी में जॉय को पता चलता है कि सभी वेपन्स को कोऑर्डिनेट करके एक साथ एक्सप्लोर करने का वक्त नहीं है, क्योंकि हर वेपन्स अलग मॉडल का है। तभी उनका एक आदमी सजेस्ट करता है कि हमें और एस्ट्रोनॉट्स भेजने होंगे जो मैन्युअली वेपन्स को डेटोनेट कर सकें, लेकिन इस खतरनाक मिशन के लिए उन्हें अपनी जान देने के लिए तैयार रहना होगा। इस मिशन के लिए 300 एस्ट्रोनॉट्स की जरूरत होगी। कुछ जवान लोग इसके लिए वॉलंटियर करते हैं, लेकिन एक बुजुर्ग पायलट कहता है, ये लोग ह्यूमैनिटी का फ्यूचर है, इनकी बलि चढ़ाने के बजाय मुझ जैसे बुजुर्गों को इस मिशन पर भेजना ही ठीक होगा। अब 50 साल से ज्यादा उम्र के लोग इस मिशन पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और एक शटल में मून की ओर बढ़ते हैं। उन्हें आता देखकर ल्यू तो चौंक ही जाता है, लेकिन उसका कम्युनिकेटर टूट गया है, इसलिए वो उन्हें अलविदा भी नहीं कह पाता। ल्यू को तुरंत एक शटल में पृथ्वी पर भेजा जाता है। यूजी कंफर्म करता है कि टोक्यो और ड्यूल्स एक्टिवेट हो चुके हैं, लेकिन बीजिंग सर्वर कनेक्ट नहीं हो रहा है। यहाँ हाइजुंग का कमरा पानी से भर रहा होता है और वो पासकोड की को ठीक से कंप्यूटर से कनेक्ट नहीं कर पाता। बेबस होकर वो माइंड डिस्क को कंप्यूटर से कनेक्ट कर देता है और उसी वक्त मून पर एस्ट्रोनॉट सारे वेपन्स को डेटोनेट कर देते हैं। उनकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक मून इम्प्लोड हो जाता है और पृथ्वी बच जाती है, लेकिन मून के टुकड़े और भी तेजी से पृथ्वी की ओर बढ़ रहे होते हैं और पृथ्वी को जल्द से जल्द वहां से हटाना होगा। हैंग्यू याया का क्लिप एक्टिवेट करके उसको की दिखाता है और इंटरनेट एक्टिव करने को कहता है, लेकिन तब तक वो पानी में पूरी तरह डूब कर मर जाता है। फिर यूईजी एक इमरजेंसी मैसेज भेजता है कि मिशन फेल हो गया है। इस पर फिर से दंगे शुरू हो जाते हैं और लोगों में डर फैल जाता है, पर जॉय हिम्मत नहीं हारता और अपनी टीम को काउंटडाउन स्टार्ट करने को कहता है ताकि इंजन फायर किए जाएं।
सबको लगता है कि वो पागल हो गया है। लेकिन बेजिंग में कंप्यूटर के अंदर हैंग्यू का माइंड अचानक एक्टिवेट हो जाता है। अपनी बेटी से मिलने के बाद हैंग्यू एआई सर्वर को एक्टिवेट कर देता है। उसी वक्त एक आदमी जोई के कहने पर बटन दबा देता है और तब बेस में सब देखते हैं कि पृथ्वी मून के टुकड़ों के रास्ते से दूर हट चुकी है। सभी सेलिब्रेट करते हैं और आखिरी टाइड्स शांत हो जाते हैं। लियू भी इस विचित्र घटना का वीडियो शूट करता है और अपने बेटे को भेजना चाहता है। दूसरी ओर हैंग्यू और याया के माइंड बैकअप्स 550 को मिल जाते हैं। 7 साल बाद पृथ्वी को दिखाते हैं जो अब वापस अपने 24-8 सिस्टम में लौट आया है। जो रिटायर हो गया है और अब उसकी असिस्टेंट यूईजी का कामकाज संभालती है। इस लूनार क्राइसिस के बाद वे अपने प्लान का सेकंड पार्ट शुरू करते हैं जिसमें अगले 10 साल में वे पृथ्वी को जुपिटर के पास पहुंचा देंगे और इस दूसरे बूस्ट की मदद से पृथ्वी हमेशा के लिए सोलर सिस्टम से बाहर हो जाएगी। इंजन पर ध्यान रखने के लिए एक स्पेस स्टेशन बनाया गया है और ली उसका इंचार्ज है। इस सिस्टम को 550 मैनेज कर रहा है। अब AI मॉस शब्द दिखाता है और तब हैंग्यू को पता चलता है कि मॉस ने लूनार इंजन को नष्ट किया था और उसी ने सारे टेररिस्ट अटैक भी करवाए। याया को लूप में देखने के बाद मॉस इस नतीजे पर पहुंच गया है कि ह्यूमन सिविलाइजेशन को बचाने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि इंसान को नष्ट कर दिया जाए। अपनी इसी फिलॉसफी के आधार पर पहली मूवी में मॉस ने विनाशकारी काम किए थे। और इसी के साथ दोस्तों ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो, मूवी अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।